ধানৰ এমএছপি কে নেই কৰি শাসক দল আৰু বিৰোধী দল মুহামুহি গলা কাল ধানৰ সৰ্বনিম্ন সহায়ক মূল্য 117 টকা বঢ়াৰ কে নেই কৰি বিৰোধী দল প্ৰতিবাদ কৰিছত ইলেকচন বেলকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজনে ধানৰ সৰ্বনিম্ন সহায়ক মূল্য 3100 টকা কৰবে বুলি কৈছিল হেলে সেটা হেলা কি নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছন বিৰোধী দলৰ উপনেতা প্ৰসন্ন আচাৰ্য মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজে ঘোষণা কৰিছিলে बरगढ़ समरपुर सभा रे जे धानर सर्वनिम्न मूल्य केते करिवे सेति के हला कि माननीय प्रधानमंत्री कहितले जे मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़िबो बोली मात्र 117 टंका बढ़िला आपण भावुछन्ती ओडिसा रे चासी भारत रे चासी खुशी अछन्ती मोटे खुशी न आमे बारंबार दाबी करिचू जे स्वामीनाथन कमिटी रो जो रिपोर्ट से रिपोर्ट अनुसार धानर सर्वनिम्न मूल्य निर्धारित हो बोली करी आज पर्यंत केंद्र सरकार सेटा करिवार विफल होइछन्ती विजु जनता दाबी हूँ स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट अनुसार धान दर्जा निर्धार्य हो कारण चाषी जिते खर्च करती वर्तमान जो धान रेट से खर्च उठूना तेणु चाषी मैंने क्षतिग्रस्त होती तेणु आमर दाबी जो स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट अनुसार धान दर्ज से ही फर्मुलारे कार्यकारी कर 117 टंका मात्र बढ़वार नहीं खुश नायन राइज चाषी बोली प्रसन्न निर्वाचन प्रतिश्रुति जहाँ देखू अक्षरे अक्षरे पालन हम बड़ बड़ प्रतिश्रुति तो आम कैबिनेट निष्पत्ति नहीं सारे चाषी को 3100 टंका क्विंटल पिछा धान दर देवा निष्पत्ति नहीं सारे बाकी सब भी निष्पत्ति हम तेणु अक्षरे अक्षरे पालन हम स्वामीनाथन कमिटी सुपारिश हिसाब से चाषी खर्चा के आखि आगे रखिकिना धान सर्वनिम्न सहायक मूल्य धार्य करा जाऊ बोली दाबी करथिले विधायक प्रसन्न आचार्य।